पूरी जो दुनिया है उसके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है यार। भाई होया तो होया क्यों कर, 150 से ज्यादा बार आग तीन मौत सर, तंत्र मंत्र या षड्यंत्र सर, हम इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं। कुछ भी कोई भी घटना होगी तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमने तैयार रखा। मैं जहां तक जो हमारा संविधान भी कहता है और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, फिलहाल पुलिस को हिदायत दी है बड़े अधिकारियों ने भी जो गांव के व्यक्ति हैं केवल वो यहाँ होंगे और गांव के अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं बाहर के उनको पुलिस के द्वारा हिदायत दी जा रही है कि भी जो गांव के व्यक्ति हैं केवल वो यहाँ रहेंगे और गांव से बाहर के जो इस तरह की हिदायत जो गांव ताकि जांच जो पुलिस की जांच है ना वो अच्छे से हो सके, जांच प्रक्रिया जो है उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए पुलिस द्वारा हिदायत दी गई है कि भी जो गांव के व्यक्ति है भाई यार सही है बात आप लोग भी ना जो गांव के व्यक्ति रुक जाओ और बाकी ताकि पुलिस की जो जांच प्रक्रिया उस पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, बाकी जो चीज होगी वो मीडिया के माध्यम से तार तक पहुंच जाओगी। ये फिलहाल आप देखो पुलिस के बड़े अधिकारी अब मौके पे यहाँ डिप्टी जो है मौके पे प्रशांत किरण जी वो यहाँ पहुंचे हैं, थाना जो प्रभारी है मदन लाल वो भी यहाँ पे है। फिलहाल पुलिस की हिदायत है कि भी जो गांव के लोग हैं केवल वो यहाँ रहेंगे, उसके अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ ना रहे तो पुलिस ने उनको बाहर जाने के लिए यहाँ से कहा है। ये नया अपडेट है फिलहाल इस घटनाक्रम में जो बैंसली गांव है राजगढ़ तहसील का राजस्थान में। तो ये फिलहाल देखो ये हालात है भाई, बातें कई तरह की चली भाई, जिनका प्रकोप है तंत्र मंत्र विद्या है, तांत्रिक प्रक्रिया है, अंधविश्वास का मामला है, रंजिश का मामला है, कई तरह की बातें चली। ये देखो ये जो बाहर के जो लोग हैं उनको भेज दिया है भाई आप लोग जाओ। ये आप देखो नया अपडेट है फिलहाल और हम डिप्टी साहब से भी बात करेंगे आने के बाद भाई। लगभग 35 दिन में 3 मौत, 150 से ज्यादा बार आग और पूरी जो दुनिया है उसके लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है यार। भाई होया तो होया क्यों कर, घर में रुक रुक के जो लगातार आग जनी होने लग रही है उसका कारण क्या है, कोई केमिकल है या कोई जादुई ताकतें हैं या कोई अदृश्य ताकत है, तो बहुत बड़ा एक मतलब कौतूहल का विषय बना हुआ है। फिलहाल देखो मौके पे मौजूद डिप्टी नहीं सॉरी जो थाना प्रभारी मदन लाल और जो डिप्टी साहब उनकी जांच प्रक्रिया चल पड़ी है। फिलहाल पुलिस अपनी इस रोकथाम में है कि भी कोई अगली घटना ना घट जाए, क्योंकि हर 14 दिन बाद बता रहे थे घर में एक मौत हो जाती है, तो इसलिए पुलिस ने फायर ब्रिगेड की हम बात करा या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम की बात करा तो सारी चीजें उपलब्ध कराएगी ताकि घर में कोई और घटना नहीं घटे। 150 से ज्यादा बार आग तीन मौत सर, तंत्र मंत्र या षड्यंत्र सर, ऐसे तंत्र मंत्र तो हम नहीं कहेंगे जी, जो भी है जांच चल रही है, जांच में जैसे भी आएगा उस पर हम आगे की रिपोर्ट दे पाएंगे। हम इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं, हम आपको ये बता दें ऐसा नहीं है कि ऐसी इस घटना को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हम सीरियसली ले रहे हैं। जिस तरह का भी इसमें जांच में जो भी फाइंडिंग्स आती उसको हम साइंटिफिकली अप्रोच कर रहे हैं और साइंटिफिक तरीके से ही मुझे लगता है इसका निस्तारण हो पाएगा। सर एफएसएल के लिए रिपोर्ट गई है, कोई अपडेट आई नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं आ पाई, एफएसएल भेज दिया है हमने, जो भी हमें यहाँ से डेटा कलेक्ट करना था या जो भी केमिकल्स या जो भी हमें जो भी लग रहा है, कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं जो एफएसएल की जांच में निकल के आती हैं, हमारे आंखों से कुछ चीजें बच जाती हैं, हमारे बाकी तफ्तीश से बच जाती है, जैसी भी आएगी उसमें हम कर लेंगे। बट एक आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील है कि इस चीज को बिना बात के एक अफवाह की तरह ना लें। ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो मन में एक कौतूहल होता है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपन इसको एक हमने भी इसको एक चैलेंज की तरह लिया है और हम ट्राई यही करेंगे कि इसको जितने भरोसे के साथ खोल सकें ताकि बाकी लोगों को भरोसा हो पाए, हमें संतुष्टि हुए वो तो एक अलग चीज है, लोगों को संतुष्टि हो पाए कि ये कारण था ऐसा, उस तरीके से परिवार को सुरक्षा और स्वास्थ्य की सीमा के लिए कुछ बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हैं आप, दमकल की गाड़ी लगी हुई है, एम्बुलेंस भी रेगुलर आके विजिट करती रहती है, हमारे जवान लगे हुए हैं, तो कुछ भी कोई भी घटना होगी तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स हमने तैयार रखा है, कुछ भी होगा तो हम बिल्कुल कॉल डिटेल पे भी काम करें पुलिस। अब ये तकनीकी चीजें हैं, हम शेयर नहीं करना चाहेंगे, कई बार क्या होता है कि मीडिया के माध्यम से हम सही चीज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं बट अक्यूज तक भी पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं वो अभी हम उसके ऊपर ज्यादा ना चलते। अभी तक सर जो इस घटनाक्रम को देखा जा रहा है तो उसमें वो एक अंधविश्वास की तरफ लोग मूव कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि साइंटिफिक जो इसके पीछे रीजन है उन तक पहुंच के और साइंटिफिक अप्रोच है लोगों की वो वहां तक पहुंचाया जाए। तो अभी तक के घटनाक्रम में क्या आपको ऐसी कुछ चीजें डिटेक्ट हुई हैं कि जिससे आपको लगे कि
ये पूरा एक जो है पूरा षड्यंत्र के तहत कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए अभी ये चीज जांच का विषय है। मैं जहां तक जो हमारा संविधान भी कहता है और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं तो हमें जो इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा मेरे हिसाब से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही मिलेगा। ये हर कोई भी ऐसी चीज घटना घटती है तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठती है कि क्यों हो रहा है। हर इंसान अपने अपने हिसाब से सोचता है तो अब किसी की सोच अगर अंधविश्वास की तरफ जा रही है तो हम रोक भी नहीं सकते हैं। बस हम लोगों से अपील करेंगे कि इस चीज को अंधविश्वास की तरफ से ना देखें। कई सारे ऐसे वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं जिनसे ये आग लग सकती है। उनकी जांच करने के लिए हमने ऑफिशियल टीम बुलाई थी और उनको जो भी उन्हें चीजें कलेक्ट करनी थी, यहाँ पे चीजें हो गई, डेटा हो गया, वो उन्होंने कलेक्ट करी। आपको लगता है कोई मास्टरमाइंड है घटना के पीछे? ये तो जांच के बाद ही पता। क्या कितने परसेंट तक पुलिस पहुंची जांच में? ये प्रतिशत डालना तो इसमें सही नहीं रहेगा। जल्दी खोलने की कोशिश करेंगे, हम इसको चैलेंज की तरह ले रहे हैं और हम इसको बिल्कुल खोलेंगे। हाथ लगा पुलिस को? सर कोई क्लू हाथ लगा पुलिस को? मौत का कारण अभी जो है हमने वही हमने उस एंगल पे भी मेडिकल रिपोर्ट उस एंगल पे भी हमने वो करी है जो मेडिकल इन्होंने करवाई है हॉस्पिटल में, वो जांच देखेंगे और उसके बाद ही कुछ पता पड़ेगा। सर पुलिस के पास कुछ क्लू हाथ लगे? एफएसएल बुलाया था तो उससे जो निकला है उसके ऊपर ही अभी कर रहे हैं जांच। एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाए तो हम आपको कुछ बताएंगे। ठीक है सर। आईपीएस प्रशांत, चलिए ये पुलिस के उच्च अधिकारी प्रशांत किरण जी ने कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है और इसको अकेले अंधविश्वास और पाखंड और तंत्र मंत्र से ना जोड़ा जाए। इसमें आप एक एंगल ये भी है कि भाई इसमें घटनाक्रम में जब जैसे जैसे एफएसएल की टीम की रिपोर्ट आएगी, सैंपल लिए गए हैं, पुलिस का जो कार्य करने का तरीका है, जो लोकेशन है, नंबर है, सब चीजों की जांच हो सके और मामला इतना हो सके, पुलिस ने इतना इशारा किया है कि भाई हमारी जांच है जो अभी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसको अड़के में ना ले, रूमर ना फैलाएं, भ्रांति ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं ताकि परिवार में कोई और घटना ना घटे। स्वास्थ्य की सुरक्षा की सेवाएं परिवार को दी गई है। जो प्रशांत किरण है जो पुलिस के उच्च अधिकारी है उनका ये कहना है। और भी जो घटनाक्रम होगा उसको हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।